दोस्तों नेटनेर उसमें आप लोग का स्वागत है और आज दोस्तों मैंने आप लोग के लिए बहुत ही कमाल के स्मार्ट टीवी का अनबॉक्सिंग यहां पर लेके आ चुका हूं। और ये टीवी दोस्तों मैंने खुद इसको पर्सनली परचेज किया हूं फ्लिपकार्ट से और इसकी जो प्राइस है वो 37,999 यानी कि 38,000 रुपीज की है। और ये दोस्तों जेवीसी का 55 इंच वाला टीवी है और जहां पे दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, इसके जो फीचर्स आपको मिलते हैं जो प्राइस में आपको मिल रहा है ये एकदम ज्यादा किलर है। ये वीडियो दोस्तों आप देखते रहना, वैसे अगर आपको परचेज करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देता हूं फ्लिपकार्ट पर, पहले आप खुद जाके देखना इसके फीचर्स देखना, उसके बाद आप इसको जाके परचेस कर सकते हैं। वैसे ये वीडियो आप देखते रहिए, इसमें क्या कुछ खास मिलता है, इस टीवी की क्वालिटी क्या है, मैं सारी जानकारी दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में इस टीवी के बारे में देने वाला हूं। तो यहां पे दोस्तों बॉक्स देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, काफी बड़ा सा बॉक्स है, बड़ी मुश्किल से मेरे फ्रेम में आ रहा है, एनीवेज 55 इंच का टीवी इसलिए। और अगर दोस्तों इसकी वारंटी के लिए आपको खुद से कॉल आ जाएगा, आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और साथ में इंस्टॉलेशन के लिए भी वो लोग आपको कॉल करेंगे, तो ये दो चीज मुझे यहां पर थोड़ी सी ठीक लगी है। चलो ठीक है, यहां पर दोस्तों फटाफट से देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ आपको खास देखने को मिल जाता है। तो यहां पर दोस्तों फाइनली हमने टीवी को बॉक्स से बाहर निकाल दिया है और क्या कुछ पहले आपको इसमें कंपोनेंट्स मिलते हैं वो आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपको ये वाला पैकेज मिलता है, इसमें आपको यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड, बहुत सारी चीजें मिलती है जो मैं आपको एक वन बाय वन यहां पर जो दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपको ये स्टैंडर्ड सा जो रिमोट कंट्रोलर मिलता है जिससे आप अपने टीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आप एचटीवी वाला फीचर भी आपको मिलता है जिससे आप सेटअप बॉक्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए कनेक्टर आपको यहां पर जो दिया गया है। उसके अलावा यहां पर दोस्तों आपको एक मैजिक रिमोट भी देखने को मिल जाता है जो QWERTY कीबोर्ड के साथ में मिलता है। जी हाँ, QWERTY कीबोर्ड के साथ में, तो टाइपिंग में आपको और आसानी होगी और अगर आपको कुछ गेम्स खेलना है जो कंपेटिबल इसके लिए आप वो भी यहां पर जो खेल सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की चीज है, इसमें आपको एयर माउस का भी सपोर्ट मिलता है जो बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद दोस्तों ये आपको मिलता है एचटीवी कंट्रोलर, ये बहुत ही बढ़िया चीज है और इसको लगाने के बाद दोस्तों आप एक रिमोट कंट्रोलर से अपने सेटअप बॉक्स और टीवी दोनों को ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो भी कंपेटिबल ऑपरेटर्स है उनको आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको कुछ AAA बैटरीज, स्क्रू ड्राइवर्स, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाती है वॉल माउंट के लिए और टेबल माउंट के लिए। और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आपको यहां पर वारंटी कार्ड मिलता है, एक साल की आपको वारंटी मिलती है। ये सारा आपको यूजर गाइड मिलता है और ये दोस्तों आपको दूसरा यूजर गाइड मिलता है जिसमें आपको टीवी के जो एप्स है, फीचर्स है, वो सारे आपको यहां पर एक्सप्लेन किया, तो काफी डिटेल में आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो यहां पर दोस्तों फाइनली हमने टीवी को बाहर निकाल दिया है एकदम से और अब मैं आपको कुछ इसके पोर्ट्स के बारे में बता देता हूं। यहां पर आप देखेंगे आपको पीछे की तरफ दो साइड है, नीचे की तरफ और राइट साइड की तरफ पोर्ट्स मिलते हैं। और यहां पर आप देखेंगे आपको RJ45 वाले पोर्ट्स मिलता है, उसके बाद आपको AV वाले सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं, दो HDMI के पोर्ट्स मिलते हैं, उसके अलावा आपको कॉक्स आउट का भी यहां पर जो पोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके अलावा ये साइड देखेंगे तो आपको एक और HDMI का पोर्ट मिलता है, मतलब आपको तीन HDMI के पोर्ट्स मिलते हैं, RF पोर्ट मिलता है, आपको यहां पर SD कार्ड का स्लॉट भी मिलता है, दो USB 2.0 वाले आपको पोर्ट मिलते हैं और उसके अलावा आपको यहां पर ऑडियो आउटपुट का भी पोर्ट जो देखने को मिल जाता है। तो यहां पर दोस्तों हमने टीवी को जो सक्सेसफुली बूटअप कर दिया, आप देख सकते हैं आपको जिस तरीके का इंटरफेस मिलता है और आपको उसमें AI इंटीग्रेशन मिलता है। लेकिन यहां पर दोस्तों इसके अंदर एक्सप्लोर करते हैं, उससे पहले मैं आप लोग उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन यहां पर जो दे देता हूं। आपको दोस्तों ये एक 55 इंच का टीवी मिलता है, अल्ट्रा HD 4K रेजोल्यूशन के साथ में मिलता है, आपको क्वांटम बैकलिट टेक्नोलॉजी के साथ में मिलती है और ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया आपको टेक्नोलॉजी मिलती है, मतलब सारे जो पिक्सल्स इसमें वो इंडिविजुअली बैकलिट होते हैं और जो कलर्स आपको मिलता है वो जैसे कि ग्रीन बहुत ही जबरदस्त ग्रीन दिखेगा, रेड बहुत ही जबरदस्त रेड दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ में ये डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और साथ में जो व्यूइंग एंगल्स मिलता है वो बहुत ही बढ़िया मिलता है। उसके अलावा दोस्तों जो पैनल आपको मिलता है वो A+ ग्रेड का मिलता है, मतलब दोस्तों बहुत ही कमाल का आपको पैनल देखने को मिल जाता है, एकदम नेक्स्ट लेवल का है। और जो बेजल्स अगर आप देखते हैं वो एकदम बहुत ही लेस आपको यहां पर जो देखने को मिलते हैं, तो काफी बेजल लेस आपको यहां पर ये डिस्प्ले मिलता है और इस मामले में दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी आपको बहुत ही कमाल की जो देखने को मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों इसमें आपको M लॉजिक वाला कोर्ड कोर वाला प्रोसेसर मिलता है, 1.5 GHz के ऊपर क्लॉक्ड है और साथ में Mali 450 वाला आपको GPU भी मिल जाता है, 2 GB की RAM मिलती है, 16 GB की स्टोरेज मिलती है, सफिशियंट है दोस्तों, आप बहुत सारी चीजें आप यहां पर अपने टीवी में कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं ऑडियो की बात करता तो आपको 50W के दो स्पीकर्स मिल जाते हैं जो सामने की तरफ है और यहां पर ये DTE टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, Dolby Atmos को सपोर्ट करता है। अब याद रखना है कुछ सरप्राइजिंग बात नहीं है, JVC ऑडियो के मामले में ही फेमस है, इसलिए आपको ऑडियो टीवी की बहुत ही जबरदस्त यहां पर जो देखने को मिल जाती है। और यहां पर एक और चीज दोस्तों, अगर आप बिल्ड देखते हो तो आपको एकदम प्रीमियम क्वालिटी मिलती है, आपको मेटल यहां पर जो डिजाइन मिलती है, नीचे की तरफ देखेंगे पूरा गोल्ड है। तो ये है दोस्तों इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और अभी हम आते हैं सीधा हमारे टीवी की तरफ। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का मिलता है, ये पूरा के पूरा AI बेस्ड है, आप जो भी करते हो वो सारी की सारी आपकी हैबिट के हिसाब से आपको चीजें दिखाता है। और यहां पर आप देखेंगे इनका जो ऐप स्टोर है दोस्तों, इसमें आपको 500 से ज्यादा जो वो एप्स मिल जाते हैं जो आप जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, वो बेसिक चीजें आपको सारी की सारी इसमें मिल जाती है, क्योंकि जो आपको रिमोट कंट्रोलर है उसके ऊपर आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, Amazon प्राइम, सारे के सारे डेडिकेटेड बटन आपको मिलते हैं, तो वो वन प्रेस में आप उन सारे ऐप का जो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐप स्टोर का भी आपको डेडिकेटेड बटन मिलता है, तो आप डायरेक्टली ऐप स्टोर वाले बटन को दबाएंगे वो सीधा आपको उसमें जो लेके चला जाएगा। यहां पर दोस्तों थोड़ी बहुत और चीजें आपको बता देता हूं, आप देखेंगे ऐप्स के सेक्शन में आपको बिल्ट इन इसमें फाइल मैनेजर मिलता है, ब्राउजर मिलता है, गूगल प्ले स्टोर भी मिलता है,
यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, एमेजोन प्राइम, मिरर है, ई शेयर है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है, फेसबुक लाइट, जी मेल, हॉटस्टार, ट्विटर, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगर वीडियो आपने को डाउनलोड किया यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह के अंदर तो आप वीएलसी प्लेयर में आके देख सकते हैं। वैसे सारे के आपको 500 से ज्यादा एप्स मिल जाते हैं तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। म्यूजिक का आपको अलग सेक्शन मिलता है सेटिंग से नीचे, और ये सारे आपके हैबिट के हिसाब से भी आप जो वो चलते हैं। और यहाँ पर ये टीवी वाला है, अगर आपने केबल लगाया तो आप इस वाले सेक्शन में आके जाके देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों और चीज आपको यहाँ पर बता रहे तो सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं तो सेटिंग्स देखेंगे आपको इस तरह के मिलता है। वैसे आपको इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ सारे फीचर्स मिलते हैं, मेरा कष्ट का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है, तो आप अपने मोबाइल के कंटेंट भी टीवी में जो स्ट्रीम कर देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं एंड्रॉइड वर्जन की बात करूं तो आप देखेंगे एंड्रॉइड 5.1.1 काफी पुराना है, बहुत पुराना है, लॉलीपॉप पे चल रहा है ये। अगर इसको अपडेट कर दे तो थोड़ा बेटर रहेगा। और आप देखेंगे ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसके अबाउट की सेक्शन की। यहाँ पे दोस्तों यूट्यूब में वीडियोस ओपन करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक मैजिक बताता हूं। आप देखेंगे ये है उसका मैजिक रिमोट, जैसे कि मैंने आपसे कहा था इसमें आपको एयर माउस का सपोर्ट मिलता है। आप देखेंगे इस तरीके से आप इस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको यहाँ पर QWERTY कीबोर्ड्स मिलते हैं। तो ये दोस्तों मैजिक रिमोट का कमाल है, जो बहुत ही बढ़िया आपको बॉक्स में मिल जाता है, एयर माउस का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो इससे कूल चीज आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक सैंपल वीडियो आप देख सकते हैं, हमने भी यहाँ पर यूट्यूब से चलाया है, कनेक्टिविटी काफी बढ़िया है, वाईफाई भी मेरा काफी सही चल रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे क्वालिटी काफी कमाल की आपको यहाँ पर मिल रही है। देखेंगे 55 इंच में जो एक्सपीरियंस मिल रहा है वो काफी बढ़िया है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो आपको 50 वॉट के फ्रंट फायरिंग स्पीकर मिलते हैं, DT टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, JVC की ऑडियो भाई, तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं सिर्फ 50 पर ही मैंने वॉल्यूम रखा था और एकदम ज्यादा यहाँ पर जो वो साउंड था, लेकिन एक चीज बेस्ट इसमें ये थी कि ये बिल्कुल भी फट नहीं रहा था, बहुत ही सही तरीके से इसने अपनी ऑडियो क्वालिटी को मेंटेन किया था। स्टीरियो इफेक्ट था जो काफी बढ़िया लग रहा है। दोस्तों ऑडियो की बात मत करो, ऑडियो काफी कमाल की आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के अंदर, मैंने आप लोगों को JVC के इस 55 इंच वाले टीवी के बारे में बता दिया। इसमें आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही एग्रेसिव प्राइस है, और टीवी की क्वालिटी भी वैसे काफी बढ़िया है, बिल्ड से लेके डिस्प्ले से लेके एडिशनल पोर्ट्स भी आपको मिल जाते हैं, जो कंटेंट मिलता है, मैजिक रिमोट मिलता है, बहुत सारे यूनिक फीचर्स भी अलग से आपको मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ही बढ़िया आपको स्मार्ट टीवी मिल जाता है, और आपको अगर परचेस करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया, आप उसको वहां पर जाके परचेस कर सकते हैं। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, मैं इसे आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियो फ्यूचर में लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।